अंग्रेजी पढ़ना आसानी से कैसे पढ़ना है सीखेंगे हम लोग, ठीक है। यू से कौन सी मात्रा आती है? आप कौन सी मात्रा आती है? आपकी। जैसे सी यू बी क्या है? कब। कब क्या है? कब। सी यू टी क्या है? कट। कट। और बताओ? हट। हट है। और बताओ? मड। मड। और बताओ? हाँ, ये देखो टी यू बी टब, ठीक है। इसी तरह क्या होता है? मड। क्या है? मड। अब देखो अगर सी यू बी क्या है? कब है ना, लेकिन इसके सामने अगर ई लगा देंगे क्यू क्या बन जाएगा? क्यू क्या बन जाएगा? इसके आगे ई लगा देंगे बन जाएगा। इसके आगे ई लगा देंगे क्यू। इसके आगे लगा देंगे होगा। तो ये समझ में आया ना, ए से
हल्का सा ए, पेन, पेन। उसी तरह ए आई लिखा है, ए आई लिखा तो क्या होगा, आर ए आई एल, रेल, रेल। ए की मात्रा रेल, तेज, ए की मात्रा तेज। और उसके बाद टी आर ए आई एल लिखा तो क्या होगा, रेल, क्या होगा, रेल, क्या होगा, रेल, रेल। और कुछ बताओ इसको, रेल, हाँ, रेल, क्या, रेल हो गया, ट्रेन भी हो गया, फेल, क्या हो गया, फेल। लेकिन अगर आर लिखा तो फिर गड़बड़ करेगा, पहले मान लो ए आई आर लिखा तब क्या होगा, ए आर, क्या होगा, फिर बदल जाएगा। आर जहां आया कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, मैंने बताया था। एफ ए आई आर क्या होगा, फेयर, क्या होगा, फेयर। आर ने बदल दिया ना कुछ, आर से कुछ ना कुछ बदल गया ना, ध्यान से देखो। अब इसी तरह फिर बदलेगा, जैसे ए और ई दोनों हो, थोड़े थोड़े अंतर बीच में कोई लेटर होगा, जैसे एस ए एम ई, क्या हो गया, सेम, क्या हो गया, सेम। एन ए एम ई, नेम, क्या हो गया, नेम। एल ए एन ई, लेम, लेम। तो इतना समझ में आया ना, अंतर है ई से ए, ए आई से ए और ये लिखा तो क्या हो गया, सेम, सेम। लेकिन फिर अब आर आ जाएगा, फिर गड़बड़ करेगा, आर आएगा फिर गड़बड़ करेगा, जान लो। F A R E क्या, फेयर, फेयर नहीं होगा, फेयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C A R E क्या हो जाएगा, फेयर। इतना ध्यान रखना इसको, इसको। इसके बाद अब E किसकी मात्रा, E की मात्रा, F डबल E L, F डबल E D, फ्रीड, क्या हुआ, फ्रीड। F R डबल E, फ्रीड, फ्री, क्या हो जाएगा, फ्रीड। लेकिन अगर डबल E R आ गया फिर गड़बड़ करते हैं, R कहाँ आया कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, कहाँ आया, जैसे D डबल E R, डियर, डियर, क्या हो गया, डियर। इतनी समझ में आ गई ना तुमके, अब कर लोगे, जी सर। इसके बाद हम लोग देखते हैं E की मात्रा और कहीं आती, E A, तुम लोग खाना खाते हो, M E A L, क्या हुआ, नील, नील, क्या हुआ, नील। और बताओ S E A L, सी, सी, समझ गए ना। तो इतना तुम लोग बहुत सारी चीजें बहुत पढ़ सकते हो आसानी से, E की मात्रा। लेकिन अगर R आएगा फिर गड़बड़ करेगा, F E A R, डियर, डियर, अब फिर नहीं होगा, ये क्या होगा, डियर, क्या होगा, डियर, D E A R, डियर, डियर। समझ में आ गया ना, तो इसको समझ लो हम लोग। O के बारे में, O का बड़ा आसान है, लिखा है R O L E, क्या होगा, रोल, H O L E, होल, M O L E, मोल, मोल। ये तो वो होगा, दूसरा O देखो, O A, क्या है, O A, O A से भी O बनता, L O A D, क्या होगा, मात्रा कैसे लगेगी, डबल ओ, डबल है ओ की मात्रा, एफ डबल ओ डी, क्या हो गया, गुड, क्या हो गया, गुड, एफ डबल ओ डी, गुड। समझ में आया ना, इसी तरह तुम सब लोग बना सकते हो। यू आई अगर नहीं लिखा, यू आई क्या लिखा है, यू आई, अभी ऊपर आ रहा है, तुम लोग जानते हो एफ आर यू आई टी, फ्रूट, एस यू आई टी, सूट, पी ई आर, ध्यान से देखना। अब बताओ ये क्या होगा, परस्यू है ना, पढ़ सकते हो इसी तरह से, सही बता दूंगा, इसको ऐसे पढ़ सकते हो। ये क्या होगा, रेस्क्यू, रेस्क्यू, समझ में आ गया ना। तो तुम लोग देखो यू और यू, आधा का यू, ठीक है, यू ई लिखा रहे हो, पर यहाँ बदल गया इसका मतलब, यहाँ मतलब इसका बदल गया। अब कुछ जगह होता टी आई ओ एल लिखा रहा था, हम लोग पढ़ते थे तो टीओन कह देते थे, टीओन नहीं सन कह, क्या था इसको, सन, ओ पी टी आई ओ एन, क्या होगा, धीरे बोलो क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन। और बताओ ए यू सी टी आई ओ एन, ऑप्शन, सब हो जाएगा ना, एफ यू एन सी टी आई ओ एन, ऑप्शन, टी आई ओ एन से क्या होता है, सन होता है, टी आई ओ एन से क्या पढ़ेंगे, सन पढ़ेंगे।
जीएसटी क्या होगा? का। जीएसटी क्या होगा? का। लिखा है ओ यू जी एच टी आर। क्या हो जाएगा? आर। एफ ए यू जी एच टी आर। क्या हो जाएगा? आर। एन आई जी एच टी नाइट। नाइट। समझ में आ रहा है ना? और अगर ये लिखा कहीं पर बताओ के एन आई जी एच टी तब क्या होगा? नाइट। क्या होता है? ना, ना। इसी तरह ओ यू जी एच है तो फा पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? ई एन ओ यू जी एच क्या हो गया? आर ओ यू जी एच क्या होगा? क्या होगा? रफ। सी हाँ सी ओ यू जी एच क्या होगा? तो ओ यू जी एच से क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? इसी तरह देखा होगा तुमने कहीं टी यू आर ई लिखा। टी यू आर ई क्या होता? चर। चर होता। क्या होता है? चर। चर। सिग्नेचर। क्या हो गया? सिग्नेचर। क्या हो गया? सिग्नेचर। फर्नीचर। ये क्या हो गया? फर्नीचर। क्या हो गया? फर्नीचर। इसी तरह तुम लोग टी यू आर ई से क्या पढ़ोगे? चर। चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चर। तो कहीं कहीं बात है बी एल ई टी एल ई डी एल ई लिखा था। बी एल ई से बिल। और टीएलई से टिल। टीएलई से टिल। जैसे ये देखो ए बी एल ई क्या हो गया? एबिल। वेरी गुड एबिल। ये क्या हो जाएगा? रे आर ई एस पी ओ एन रिस्पांसिबिल। क्या हो जाएगा? रिस्पांसिबिल। रिस्पांसिबिल। जी ई एन टी एल ई क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? समझ आ गया ना? जी समझ में आ गई। अब इसी तरह तुमको पढ़ना बाद में ईडी लिखा तो आधा डा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आधा डा। जैसे आर ई टी यू आर एल ई डी क्या होगा? रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न। रिटर्न। क्या होगा? रिटर्न। लेकिन अगर मान लो लिखा टी ई डी बाद में आता तो इसको टेड पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? समझ आ गया? जैसे इसी तरह कहीं डीजीई लिखा तो जब हम लोग पढ़ते थे तो डगे पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? डगे। डगे तो है जा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जा। जा। ई डी जी ई क्या हो गया? एज। एज। क्या हो गया? एज। पी एल ई डी जी ई लेज। समझ में आया? उसी तरह क्यू यू ई का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। जैसे ओ पी ए क्यू यू ई क्या है? क्या पढ़ेंगे बताओ? उपाय। क्या पढ़ेंगे? उपाय। क्या पढ़ेंगे इसको? उपाय। क्या पढ़ेंगे फिर से बताओ? उपाय। यूनिक। और देखो हाँ क्या बता तुमने? यूनिक बता। ये देखो यूनिक की स्पेलिंग यही तो है ना? जी सर। ये क्या है? यूनिक। क्या है? यूनिक। अब देख लेना भाई डिक्शनरी में सही है कि नहीं। तुम लोग जिम्मेदारी देख लेना, हो सकता है गलत लिखा हो। ठीक है देख लेना, मिलान कर लेना। उसी हिसाब से एस आई ओ एन क्या है? सन। ये है सन। क्या है? सन। जैसे लिखा ई एम यू एल एस आई ओ एन क्या चीज है? बताओ। इमल्सन। क्या है बताओ? इमल्सन। इमल्सन क्या है? इमल्सन। और देखो डी आई एम ई एन एस आई ओ एन डिमेंशन। अगर ये देखो अब डिम होता अब यहाँ देखो डायमेंशन होगा। क्या होगा? डायमेंशन होगा। अब एक चीज जो तुम लोग बता रहे थे मैं बता रहा हूँ, कौन सी? सी वाला। कहीं सी का पढ़ते हैं कहीं सी सा पढ़ते हैं। सी का कहाँ पढ़ते हैं? सी सा। सा कहाँ पढ़ते हैं? सी। जब सी के बाद आई लगा हो लगा हो तो क्या पढ़ेंगे? सिकी, सेल और साइकिल। तुम लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा ना? जी सर। कोशिश करो पढ़ने किताब। अब कोई अपनी किताब उठाओ 80% तुम सही पढ़ लोगे। जी सर। जीएसटी से टा पढ़ना है ना? जीएसटी से टा पढ़ना है। टी यू आर ई से सर पढ़ना है। टी आई ओ एन से क्या पढ़ना है? सर पढ़ना है। तो आज का पाठ भैया खत्म।